अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। मैं बोल चुका क्योंकि झूठी हुकूमत है, वो झूठी हुकूमत के बारे में कुछ ज़्यादा बोलना बेहतर नहीं समझता मैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ मुस्लिम्स पे नहीं है, तकरीबन आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके देखिए आसाम में जो हुआ है, गैर मज़हब पे भी बहुत हुआ, बहुत ही जुल्म हो रहा है वहाँ पर भी, तो सिर्फ मुसलमान का मामला नहीं है ये, हर किसी पे जो है नाहक जुल्म हो रहा, हक पे नहीं है, तो बोलते करते ये लोग सही बात बोलो सही करो, ये इससे किसी का प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है ऐसा बोलते झूठा उल्टा सीधा कानून निकाल के जो है सारी पब्लिक परेशान है। अगर आपको हेल्प ही करना है तो कुछ नौजवान लड़कों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए करो, या कुछ और दूसरे अच्छे देश को है ना आगे बढ़ाने के ऐसे काम करो बेहतर रहेगा, यहाँ के जो चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है ऐसा इशू लेके जो है खाली पीली के जो है सारी आवाम परेशान है इससे, तो उसके ऊपर जो है अल्लाह का कहर भी नाजिल हो रहा है। अभी देखो सारी दुनिया परेशान है, कई के लिए काम ऐसे कर रहे हैं हम लोग, काम जो है दीन से हट के कर रहे हैं, इसीलिए जो है अल्लाह का कहर बरस रहा, हम सही दीन पे आ जाएंगे, सही काम करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दगाबाजी नहीं करेंगे, इस्लाम पे सही चलेंगे, तो इंशाअल्लाह मुसलमान भी बचे रहेंगे, सारी दुनिया को जो है अल्लाह ताला हक का रास्ता बताएगा। एनआरसी जो मामला जो है ये खाली एक कौम को एक कम्युनिटी को एक टारगेट करके खाली सब एनसीआर एनपीआर जो करके सबको, फिर दूसरी जो कौम है जैसा कि उन लोग है फिर उनको सीए के तहत उनको अंदर ले ले रहे हैं, फिर एक कम्युनिटी को एक टारगेट करके लोगों को अब बाहर निकाल, क्या मतलब है इसका, और ये चीज़ क्या है बोलते, खाली मुसलमानों को खाली से प्रॉब्लम नहीं है, खाली अमित शाह जो बोले पूरे देश को होने वाला है, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो अनपढ़ है, जो लिखे हुए नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, जो भी है दलित है उसके अंदर, आदिवासी है जिसको पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे गरीब लोग हैं उसके अंदर जिसको डेट ऑफ बर्थ के बाद खुद का ही नहीं है, तो दूसरों का कहाँ से, अम्मा बाबा का कहाँ से लेके आएंगे, दादा का कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से लेके आएंगे, अब उन्हें बोरे निकालते बोले कहाँ कहाँ से निकालते, पहले खुद का तो बताओ बोलो पहले ना किसका है ना क्या है उसके अंदर, फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह लगा रही, कभी जिन्हें घर में पैदा होते हैं कहाँ से लेके आना, वो चीज़ है इसके अंदर क्या है क्या नहीं बोल के, तो ये कानून क्या है, ये कानून हम वापस ये बोल के बोल रहे हैं, इस वजह इसके अंदर नो एनपीआर नो एनआरसी नो सीए है। और एक बात यह है कि जो आपने कोरोना वायरस के लिए एहतियाती तदाबीर